भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक करके पूरी दुनिया को संदेश दिया और अब अमेरिका भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला है। एशिया में चीन जिस तरह से अपने आक्रामक और विस्तारवादी प्लान को पूरा करने में जुटा है, उसे देखते हुए अमेरिका ये कदम उठाने जा रहा है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन टिकटॉक समेत तमाम चाइनीज ऐप्स पर लगाम लगाएगा। इस मामले में अंतिम फैसला अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर छोड़ा गया है और ट्रंप इन दिनों बार बार चीन को सजा देने की बातें कर रहे हैं और चीन के खिलाफ वीर रस भरे डायलॉग मार रहे हैं। China secrecy, deceptions and cover-up allowed it to spread all over the world. 189 countries. And China must be held fully accountable. अमेरिका ने अगर टिकटॉक समेत तमाम चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया तो चीन को गहरी चोट लगेगी। अमेरिका में चाइनीज ऐप्स हर 3 महीने में 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 5,240 करोड़ रुपए कमाते हैं। टिकटॉक अमेरिका का तीसरा सबसे लोकप्रिय ऐप है और वहां इस ऐप के 16.5 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। इस ऐप का रेवेन्यू पिछले साल करीब 9 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 673 करोड़ रुपए था। 29 जून को मोदी सरकार ने चीन से जुड़े 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया था, जिसमें टिकटॉक ऐप भी शामिल था और ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। हम लोगों ने 59 ऐप को बैन किया है, कानूनी कार्रवाई होगी उसकी, लेकिन ये ही उसमें टिकटॉक भी है, पता है ना आपको। भारत की जनता की निजता के ऊपर, भारत की जनता की डेटा की चोरी के ऊपर, भारत की जनता के डेटा को भारत से बाहर भेजने के किसी कार्रवाई पर हम बहुत सख्त हैं। एलएसी पर चल रहे तनाव के दौरान चीन को जवाब देने के लिए भारत ने ऐप्स बैन करने का फैसला किया और अमेरिका में तमाम नेताओं ने इस फैसले की तारीफ की है और चीन के आक्रामक और घटिया आचरण की निंदा की है। Yeah, I mean, look what China did in the Southwest. It's essentially invaded India over the last few weeks and killed Indian soldiers. No country on China's periphery right now is safe from Chinese aggression. All those countries want a close relationship with the United States. We ought to have one. ताइवान से लेकर जापान तक, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक, पूरी दुनिया ने चीन की कूटनीतिक धोखेबाजी और जमीन हड़पने की नीति को पहचान लिया है। अब सारे देश ड्रैगन को नियंत्रण में रखना चाहते हैं।